एक जो दिल्ली और एनसीआर के आसपास का क्षेत्र है, इसका जो एयर शेड है, इसको रिकॉग्नाइज करने के लिए प्रॉपर एक्शन लेने के लिए संसद के पिछले सत्र के अंतर्गत हम दिल्ली के लिए एक अथॉरिटी को लेकर के आए, क्योंकि दिल्ली में पर्यावरण को बनाए रखने के लिए 3-4 राज्यों का कोऑर्डिनेशन आवश्यक है। दूसरा, वर्तमान केंद्र सरकार ने पिछले 4-5 सालों में काफ़ी ऐसे कार्य पूरे किए हैं जिसके कारण अगर 4 सालों में देखेंगे तो जो एयर पोल्यूशन है उसमें कमी आई है। सबसे पहले दिल्ली के अंतर्गत जो बहुत भारी मात्रा में डीजल के वाहन आते थे, तो ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे और वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे, इसको बनाने के बाद जो व्हीकल पॉल्यूशन था जो दिल्ली के अंदर आता था, उसको काफ़ी हद तक कम किया है। बदरपुर में जो कोल आधारित संयंत्र था, उसको 2018 में बंद किया गया। दिल्ली और एनसीआर के क्षेत्रों में पीएनजी बेस्ड इंडस्ट्री, तो जो इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन था उसको कम किया है। अभी हम पूरी तरीके से इस विषय पे लगे हुए हैं कि पूरे एनसीआर क्षेत्र में हम इस पीएनजी बेस्ड इंडस्ट्री को करें। पॉल्यूशन का एक बहुत बड़ा कारण डस्ट पॉल्यूशन है, उसके लिए भी मानक और नियम किए गए हैं। फिर दीपावली के आसपास जो पराली का विषय रहता था, पिछले 1 सालों में केंद्र सरकार के द्वारा लगभग 1,000 करोड़ रुपए की राशि से मशीनों का वितरण किया गया, कस्टम हायरिंग सेंटर बनाए गए। दिल्ली सरकार ने 4,000 एकड़ जमीन पे ये काम किया बायोमास का, हरियाणा सरकार ने 1,00,000 एकड़ जमीन पे काम किया, एक यूआरएल ने पंजाब में 1,00,000 एकड़ जमीन पे काम किया, उत्तर प्रदेश में 6,00,000 एकड़ जमीन पे काम किया, उसका भी परिणाम है। इस बार जो एक काम किया गया कि अल्टीमेटली पराली को बायोफ्यूल में बदलने के लिए एनटीपीसी के द्वारा बड़े टेंडर भी निकाले गए। दिल्ली के आसपास के 7 संयंत्रों में हमने मस्ट रन स्टेटस का विषय मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी के द्वारा करवाया। इस बार लगभग 3,000 टन को परचेस किया गया। पहली बार इतनी बड़ी संख्या में टेंडर निकाल के पराली को परचेस करने का विषय हुआ, उसके कुछ अनुभव हमारे पास आए हैं, उसको भी अगली बार हम लागू करेंगे। तो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों विषयों पे जी हम लोग आगे बढ़ेंगे। और जो दिल्ली का एयर पोल्यूशन कंट्रोल अथॉरिटी है, अगर आप देखेंगे पिछले 4 महीने में उन्होंने 52 से ज़्यादा डायरेक्शन एनसीआर की गवर्नमेंट्स को निकाले जो ऑन रिकॉर्ड है, उसको और अच्छा कार्रवाई करने के लिए ये सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा एयर शेड को आइडेंटिफाई किया है और मैं बड़ी विनम्रता के साथ स्वीकार करता हूँ। और इस पे और बेहतरी के लिए जो हम पिछले 6 महीने में काम कर रहे हैं, उसको भविष्य में भी पूरी प्रतिबद्धता के साथ करेंगे ठीक। अपने दायित्व के नाते। उपेंद्र जी, आपने पराली का जिक्र किया, एक सफर का डेटा है जिसमें बताया गया कि कुछ दिनों में 40% तक कॉन्ट्रीब्यूशन था पराली जलाने का सुप्रीम जब कोर्ट में। हाँ, मैं मानता 31 अक्टूबर तक जितने भी अखबार आप देखेंगे, क्योंकि धान की कटाई अक्टूबर के फर्स्ट वीक से शुरू हुई और दोनों तरह का है, बासमती नान बासमती, हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री ने उसको पूरा तरीके से किया है संशोधन। और एक 6 नवंबर के दीपावली के 4-5 नवंबर के बाद से लेकर 10 नवंबर तक ये घटनाएं काफ़ी बढ़ी। लेकिन अगर आप पिछले एक हफ्ते से देखेंगे तो 34-35 इतनी घटनाएं हैं। अल्टीमेटली हमें इसका उपयोग बायोफ्यूल में कैसे हो, और एक बहुत अच्छा भारत के एक नौजवान ने एक टकाचार करके एक नया प्रयोग, एक कंपनी ने नया स्टार्टअप हुआ है। अभी समस्या है कि वो उस जगह से, क्योंकि उनको दूसरी फसल बोनी होती है और बायोफ्यूल के लिए ले जाने के लिए जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, हालांकि एनटीपीसी ने रेट भी अच्छे निकाले और 3,000 टन परचेज भी किया, लेकिन इसको और अच्छे तरीके से हम ट्रांसपोर्टेशन के माध्यम से जो इस बार प्रयोग हुआ है उसको आगे और तेजी से विस्तृत हम लोग करेंगे। लेकिन पराली जलाने को डीक्रिमिनलाइज कर दिया गया, ये एक ऐसा विषय है, कुछ जब हम
एनवायरनमेंट के इशू को करते हैं तो कुछ हमें जीवन के अनुकूलन पद्धतियों का भी विकास करना पड़ता है, लोगों की व्यवहार आदत सामाजिक विषयों को लेते हुए करना पड़ता है। और इसलिए अगर किसान को अगली फसल बोनी है उसके लिए समय कम है तो जो उसका पराली का जो विषय है उसका हम दूसरा उपयोग कैसे कर सके, तो इस बार बायोकंपास बायो डीकम्पोज में इसका बायोफ्यूल में इसको परचेज करने में जो इस बार प्रयोग हुआ है उसको और आगे बढ़ाएंगे। नहीं, ये अच्छा सवाल मैं इसलिए दोबारा पूछ रहा हूँ कि पराली एक बहुत बड़ा फैक्टर है ये सुप्रीम कोर्ट में। नहीं, व्हीकल पॉल्यूशन भी है, आप ऐसा नहीं है, इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन भी है, ऐसा नहीं है। और अभी तो खत्म हो गया है, अभी तो 30 और 32 इंसिडेंट है, लेकिन अगर आप देखेंगे पिछले सालों में मतलब 2015 से लेकर और 2020 में जिसको PM10 और PM2.5 जो क्योंकि ये जो मेट्रोलॉजिकल कंडीशन है उस मेट्रोलॉजिकल कंडीशन के कारण जो कंटेंट रहता है उसमें 38% की कमी आई है और 20% की कमी आई है। और हमने बायोफ्यूल का रास्ता देना चाहिए किसानों के लिए, देश का किसान देश के लिए उत्पादन करता है, हमें उसकी आवश्यकताओं को समझना है और इसलिए उसको हमने किया है। पराली जलाने को डीक्रिमिनलाइज करना गलत नहीं, ठीक है ना, कोई गलत नहीं है, हम उसके लिए रास्ता दे रहे हैं, विकल्प दे रहे हैं, अच्छा बेहतर मार्ग कर रहे हैं और सबको मिलकर ही करना है, ठीक है। अच्छा, मैं आपका ट्विटर हैंडल देख रहा था, आपने संसद डायरी लिखी, उसमें आपने जो कुछ हो रहा है संसद में उसे बताया कि बहुत ही शर्मसार करने वाला है, ऑपोजिशन कह रहा है कि आपने लोकतंत्र को शर्मसार कर दिया। देखिए, पहली बात तो संसद डायरी मैं पिछले 5 साल से लिख रहा हूँ, जब भी संसद का सत्र शुरू होता है विभिन्न विषयों पे मैं अपने विचारों को लिखता हूँ। मुझे एक बात बताइए, कोई भी दुनिया का समझदार आदमी, यहाँ पर सब लोग बैठे हुए चेयर के ऊपर बैठे हुए हैं, यही लोग अगर टेबल के ऊपर खड़े हो जाए तो इनको सभ्य कहा जाएगा क्या? संसद में मर्यादा को इस तरीके से तार तार करना क्या इसको ठीक कहा जाएगा? दूसरी बात, आप ये कहते थे कि आप कृषि बिल ले आए, हम विरोध कर रहे हैं, इसको वापस लीजिए। अब वापस ले आए तो आपको ना तो इस पर कोई क्वेरी करनी है क्योंकि ये तो वापस ही हो रहा है, ना कोई फर्दर क्लैरिफिकेशन है क्योंकि ये वापस ही हो रहा है। और जब एक चीज को वापस सरकार कर रही है तो आप कह रहे हैं ना इसके ऊपर भी हम सदन को नहीं चलने देंगे, लाएंगे तो भी नहीं चलने देंगे, ना लाएंगे तो भी नहीं चलने देंगे। और सदन में पुस्तकें किताब हम तो कानून बनाने वाले हैं, पढ़ने के लिए होती है, फेंकने के लिए होती है? अगर आप कहो फेंकने के लिए तो मैं मेरे शब्द वापस लेता हूं, और अगर आप मेरी बात का समर्थन करते हैं तो आप मेरे ट्वीट को रिपोर्ट कर लिया गया कार्रवाई से पहले। नहीं, लॉजिक की बात करिए, अगर आप लॉजिक मानते हैं तो आप भी समर्थन करिए। और भारत के नागरिकों को प्रबुद्धता के साथ खड़ा होना चाहिए, यही हमारी प्रबुद्धता और यही हमारी जागृति है जिसको हम सबको अपनाना चाहिए। कह रहे हैं वो मांग की जा रही है माफी की, दूसरी तरफ से कहा जा रहा है कि वो सावरकर नहीं है जो माफी मांग लेंगे, सावरकर नहीं है जो माफी मांग लेंगे। नहीं, माफी की विषय यह है कि मान लीजिए अगर आपका कोई ऐसा कृत्य है जो सबके सामने है, आपका कृत्य है जिससे लोकतंत्र की मर्यादा शर्मसार हुई है, तो स्वीकार करने में क्या कमी है भाई? और क्यों नहीं स्वीकार कर लेना चाहिए? ये उनके ऊपर है, उनके विवेक के ऊपर है, हम तो किसी से जबरदस्ती कर नहीं सकते, लेकिन लोकतंत्र की मर्यादा को बचाना तो सबका काम है। पक्ष ये है कि ना बिल लाते समय चर्चा हुई, ना बिल वापस लेते समय चर्चा हुई, चर्चा होती तो भेद खुल जाता, ये ऑपोजिशन का कहना है सर। जिस दिन सदन में ये विषय रखा गया था, आप राज्यसभा की कार्यवाही उठा के देखिए, 3 घंटा 40 मिनट चर्चा हुई है, फिर वो अंत में कौन सी स्थिति आई जो हंगामा शुरू किया? ये रिकॉर्ड को देखिए, क्या गुलाम नबी जी नहीं बोले थे? क्या स्वर्गीय अहमद पटेल जी उस पर नहीं बोले थे? क्या बाकी लोग उस पर नहीं बोले थे? चर्चा तो हुई थी, हंगामा कब हुआ? जब सदन के नियमों की प्रक्रिया से कार्यवाही शुरू हुई, तो उनको अपनी मंशा को जवाब देना चाहिए। आप देखिए भाषण हुए थे या नहीं हुए थे, और सरकार ने कब मना किया? सरकार ने तो हमेशा कहा भाई चर्चा करिए, अब उन्होंने कहा नहीं विड्रॉ करिए, इस पर भी उन्होंने हंगामा किया, सरकार ने कभी मना नहीं किया। पूरा अपोजिशन एकजुट है इस समय निलंबन को लेकर,
अब एकजुट है या एक विषय है, लेकिन विषय है हम किस चीज के लिए एकजुट हैं। हम लोकतंत्र की मर्यादा को बढ़ाने के लिए एकजुट है, हम संसद की गरिमा को बढ़ाने के लिए एकजुट है, हम सदन में जो एक मर्यादित आचरण है उसके लिए एकजुट है। एकजुटता जो कर रहे हैं उनको अपनी एकजुटता की स्पष्टता करनी चाहिए। हम सदन को चलाने के लिए प्रतिबद्ध हैं, आइए चर्चा करिए, बहस करिए। हम तो खड़े नहीं हुए, हमने तो नारे नहीं लगाए, हमने तो पीठासीन अधिकारी के वेल में जाकर के शोर नहीं मचाया। जो मचा रहे हैं उनसे स्पष्टीकरण करिए, उनको बुलाइए, बात करिए आप भी उनसे। अभी एकजुटता की बात है तो आज की खबर है ममता बनर्जी शरद पवार से मिली हैं और लग रहा है कि आपका जो कांग्रेस मुक्त का नारा था वो उन्होंने ज्यादा सीरियसली ले लिया है। नहीं, कोई किसी को मिलेगा तो हमें क्या आपत्ति है भाई, और इसमें मैं क्या कॉमेंट करूँ। कोई भी मिलो, आप कल को कहें आपने भूपेंद्र यादव का इंटरव्यू लिया तो आप ले सकते हो। ये तो देश में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। और लेकिन मैं इसलिए कह रहा हूँ, कोई किसी से मिल रहा है तो उसमें क्या दिक्कत है भाई, मिलो, बात करो। लेकिन आपका नारा था कांग्रेस मुक्त। नहीं, हमारा दीदी का नारा जो है वो शायद विधायक मुक्त कांग्रेस हो रहा है। कांग्रेस मुक्त का अर्थ है कि राजनीति में परिवार को जागीरदारी की तरह इस्तेमाल करना, मूल्यों का शरण करना, भ्रष्ट व्यवस्था को जन्म देना, कुछ लोगों को एक तरीके से सत्ता का हितेशी बनाकर लोकतंत्र को कुचलना, ये जो वातावरण जिस 40-50 साल के कारण देश ने इमरजेंसी के दौर से लेकर भ्रष्टाचार के एक दौर को देखा, उसकी जगह मूल्य आधारित विकासवादी लोकतंत्रवादी राजनीति को स्थापित करना। भाजपा तो इस मिशन पे काम कर रही है। अब इसमें अगर कोई प्रवृत्तियां कांग्रेस के कारण अगर आइडेंटिफाई हो रही है तो वो तो मेरा, आप भी मेरा समर्थन करेंगे। ये स्टेटमेंट आज के ममता बनर्जी की, आधा टाइम विदेश में रहेंगे तो पॉलिटिक्स कैसे करेंगे राहुल गांधी के लिए। हाँ, तो वो कह रहे हैं यूपीए है ही नहीं, तो मैं कह रहा हूँ आपका आधा काम तो दीदी कर रही है। नहीं, वो तो ममता बनर्जी जी क्या कर रही है उनसे पूछिए, लेकिन ममता बनर्जी जी को जवाब देना चाहिए कि बंगाल में लोकतंत्र को क्यों कुचला जा रहा है, बंगाल में हिंसा का सहारा क्यों लिया जा रहा है, बंगाल में चुनाव परिणाम आने के बाद क्यों एक राजनीतिक दल के कार्यकर्ताओं को न केवल अत्याचार किया जा रहा है बल्कि उनके उनके लोग मारे जा रहे हैं, महिलाओं के ऊपर क्यों अत्याचार वहां पर चुनाव के बाद हो रहे हैं, जिसका स्वयं हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया है, जिसके लिए स्वयं हाईकोर्ट ने SIT करी है। और मुझे लगता है कि अगर ममता बनर्जी लोकतंत्र की मर्यादा को समझती हैं तो उनको इन बातों का भी जवाब देना चाहिए। कृषि कानून वापसी, इसको लेकर लोगों में काफी संशय है, आपकी क्या रीडिंग है, आपका क्या एनालिसिस है कि वो नहीं लेना चाहिए था? माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक बहुत बड़े विषय को, एक बहुत बड़े व्यापक आधार को देखते हुए, देश की जनता के साथ संवाद करते हुए इसको वापस लिया है। उन परिस्थितियों में माननीय प्रधानमंत्री जी का जो वक्तव्य है कि हम दुर्भाग्य से कुछ लोगों को नहीं समझा पाए, लेकिन राजनीति में लोक मर्यादा का पालन करते हुए किस प्रकार से इस विषय को पूरा किया है, मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को हम सब की ओर से साधुवाद देता हूं और प्रशंसा करता हूं कि उन्होंने एक कदम सही समय पर उठाया। नहीं, भूपेंद्र जी, लेकिन कहा जाएगा कि समझा तो CA भी नहीं पाया आज तक। हाँ जी, समझा तो 370 भी नहीं पाए। ऐसा उसको नहीं लेंगे ना, मतलब ऐसा कुछ नहीं है। और इसकी तुलना भी ठीक नहीं है। हर एक विषय की अलग अलग समय के हिसाब से धारणाएं होती है और उसी हिसाब से लोकतंत्र चलता है, पर ऐसा नहीं है जैसा आप नहीं, क्योंकि इसमें कहा गया कि ठीक से समझा नहीं पाए इसलिए वापस लिया। एक समझा तो शायद CA भी नहीं पाए सर। ऐसा नहीं है, जम्मू कश्मीर तो आज बहुत आगे जा रहा है। अभी आपने देखा होगा कि पंचायती राज के चुनाव संपन्न हुए और पंचायती राज के चुनाव के बाद लोकतंत्र की प्रक्रिया में जम्मू कश्मीर बहुत आगे बढ़ा है। आज वहाँ विकास की बहुत सारे रास्ते खुले हैं, लोग विषयों का स्वागत कर रहे हैं। स्वयं केंद्रीय मंत्री होने के नाते मैं श्रीनगर और बांदीपुरा का दौरा करके आया, मैंने लोगों के मन में उत्साह और एक नए संवाद का विषय देखा है। मुझे लग रहा है कि तथ्य सही आपके पास नहीं, नहीं तथ्य इसलिए मैं कह रहा हूँ भूपेंद्र जी, इससे हिम्मत बढ़ती है। कल को एक रास्ता, कल को शाहीनबाग वाले बैठ जाएंगे फिर। नहीं, आप दो, CA वापस लीजिए। दो धारणाओं को एक साथ नहीं कह सकते। और मैं तो जम्मू कश्मीर होके आया इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, वहाँ तो लोकतंत्र की प्रक्रिया आगे बढ़ी है। नहीं, मैं CA की बात कर रहा हूँ, कल को शाहीनबाग वाले बैठ जाएंगे। ऐसा नहीं है, उसको भी एक सही तरीके से सही परिप्रेक्ष्य में सरकार के द्वारा रखा गया और पूरा संवाद किया जा रहा है। अच्छा, आज मैं एक अखबार में पढ़ रहा था, आपकी किताब भी आ रही है द राइज ऑफ द BJP इला पटनायक के साथ, थोड़ा बताइए सर किताब के बारे में। नहीं, मैं किताब से जुड़े और सवाल लूंगा। अभी तो ये 1950 से लेकर 2019 तक एक राजनीतिक दल ने
जहां उसके तीन सांसद होते थे, वहां से 2019 तक 303 सांसद हुए। नई देश में राजनीतिक परंपराएं, राजनीतिक मूल्यों की स्थापना, उस वैचारिक दौर में जनसंघ ने विभिन्न विषयों को लेकर के, जनसंघ किस प्रकार से आगे बढ़ी श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी से लेकर के, जनसंघ ने राजनीति में शुचिता की धारणाओं को कैसे विकसित किया जी, एक पार्टी ने अपने आप को कैसे जनता पार्टी में समाहित करके अपनी राजनीतिक यात्रा को आगे बढ़ाया, पर इसके तथ्य तो जब आप पढ़ेंगे तब आप मेरे से प्रश्न करें तो ज़्यादा अच्छा है। अभी तो केवल इसका इंटरनेट पे प्रोमो है, 17 जनवरी को ये किताब आएगी, उसके बाद आप मेरे को फिर बुलाइए, मैं निश्चित रूप से सारे तथ्यों को आपके सामने रखूंगा। आजकल एक ट्रेंड है ना सर, ज़्यादा किताब बेचने के लिए कॉन्ट्रोवर्सी कर दी जाती है, तो कुछ ऐसी कुछ है, क्योंकि अभी सलमान खुर्शीद की किताब आई, उसमें उन्होंने हिंदुत्व को ISIS और बोको हराम बताया। मनीष तिवारी की भी शायद आज ही किताब आ गई है, उन्होंने भी ये कॉन्ट्रोवर्सी की, मुंबई हमले के समय कांग्रेस ने जवाब नहीं दिया, ये कांग्रेस की कमजोरी थी। पहले सलमान खुर्शीद की किताब पर। हर व्यक्ति का जीवन अलग अलग होता है, मेरा जीवन राजनीतिक मिशन के लिए समर्पित कार्यकर्ता का है, न मुझे कंट्रोवर्सी की आदत है, न जरूरत है, न मैं करता हूँ। हिंदुत्व, ISIS, बोको हराम, सलमान खुर्शीद, मैं जैसा हूँ स्पष्टता के साथ रखता हूँ, और मुझे अपनी किताब बेचने के लिए कंट्रोवर्सी की आवश्यकता भी नहीं। मैं आपकी बात, इट्स ए प्योर अकेडमिक वर्क है, इट्स ए प्योर अकेडमिक वर्क टू अंडरस्टैंड पॉलिटिकल फिलॉसफी एंड आइडियोलॉजी है, इसका कोई और तात्पर्य नहीं है। मैं पूरी तरीके से राजनीति को मिशन मानकर ही अपने जीवन को जीता हूँ, इसलिए मेरे को ना कंट्रोवर्सी की आवश्यकता है, ना मैं कोई कंट्रोवर्सी चाहता भी। बिल्कुल, मगर जो सलमान खुर्शीद की किताब है, क्योंकि किताब से किताब का जिक्र है, सब हिंदुत्व, ISIS और बोको हराम, क्या ये कांग्रेस पार्टी का या सलमान खुर्शीद का पर्सनल है? सबके अपने अपने जीवन जीने के धारणा और मूल्य होते हैं, वो उनके विषय हैं, सलमान खुर्शीद के, वो उनसे पूछिए, मेरे बारे में विषय मेरे से पूछिए, मैं स्पष्टता से जवाब दूंगा। चुनावों को लेकर बात करते हैं सर, 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव है, उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा, मणिपुर। मणिपुर के आप प्रभारी है, पहले मणिपुर को लेकर ही, वापस कमल खिल रहा है मणिपुर में? निश्चित रूप से, 2/3 बहुमत से हम सरकार बना रहे हैं। यूपी में भी हम सरकार बना रहे हैं, योगी जी के नेतृत्व में अच्छा कार्य हुआ है, योगी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार कोरोना की लड़ाई को लड़ा गया है उसमें अच्छा काम हुआ है, और सरकार हम बनाएंगे। कोई एक बड़ी चीज जो आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश में इस वजह से दोबारा से, मतलब जैसे राजनाथ सिंह ने कहा ना बुआ ना बबुआ बल्कि बाबा आएंगे, तो आपको लगता है कोई एक बड़ी चीज इस वजह से उत्तर प्रदेश में वापसी होने जा रही है? लोगों के मन में आत्मविश्वास, लोगों को कानून का पालन करने की हिदायत, और कानून व्यवस्था की स्थिति में यूपी को आगे बढ़ाने का विषय, और संकट के समय में, जब कोरोना जैसी महामारी के समय में लोग अपने घरों में बैठे हुए थे, लोगों के बीच में जाकर और सेवा कार्य के रूप में योगी जी ने काम किया। आप ध्यान करेंगे, हालांकि कभी कभी कोई मानवीय पक्षों को बताने की ये फोरम भी नहीं होता है, लेकिन योगी जी तो सन्यासी हैं, अपना पूर्व संसार उन्होंने छोड़ा है, पर अगर उन्होंने कोरोना के समय में भी अपने पिताजी के अवसान का समाचार सुना, उसके बाद भी अपने कर्म क्षेत्र में वो जिस प्रकार से और जिस भावना से लगे रहे, इस बात को दर्शाता है कि किसी व्यक्ति ने अपने जीवन में राजनीतिक सेवा को कैसे आदर्श के रूप में स्वीकार किया है। और योगी जी की सरकार एक ऐसी सरकार रही है जिस पर भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं लगा। आपको पता होगा कि जब इससे पिछली सपा की सरकार थी तो लखनऊ के गोमती के किनारे रिवर फ्रंट की जाँच होने की बात होती थी, जब बसपा की सरकार थी तो यमुना के किनारे जो एक्सप्रेसवे बनता था उसकी जांच होती थी। आज विपक्ष कुछ भी कह सकता है, लेकिन कोई विपक्ष का मैंने आज तक स्टेटमेंट नहीं सुना कि किस चीज की जांच की जाए, जिसका जीवन पारदर्शी है, जो पार्टी के मिशन के लिए काम कर रहा है, उसको वापस से सरकार बनाने का मौका यूपी की जनता देने वाली है। उत्तराखंड CM बदले हैं, चेहरा बदला है। हाँ, हम एक और नौजवान चेहरे को लेके आए हैं, उनको हमने अवसर दिया है, उनके नेतृत्व को आगे बढ़ाने की बात करी है, और एक नौजवान के रूप में वो अच्छा काम कर रहे हैं। वहाँ पे मौसम की तरह CM बदल रहे, मतलब तीरथ सिंह रावत, त्रिवेंद्र सिंह रावत, तो पुष्कर सिंह धामी, तो ये लग रहा है कि चेहरा बदलने से स्ट्रेटेजी काम आएगी। मौसम की तरह तो CM नहीं बदले, लेकिन समय समय पर पार्टी के आकांक्षाओं के हिसाब से मुख्यमंत्रियों की जिम्मेदारी दी जाती है, और भारतीय जनता पार्टी में जो जिम्मेदारी देने की प्रक्रिया है ये निश्चित रूप से प्रदेश और केंद्रीय नेतृत्व के विचार के बाद दी जाती है, तो उस प्रकार से प्रक्रिया से दी गई है। और त्रिवेंद्र जी और तीरथ जी भी पार्टी के साथ ही मिलकर के काम कर रहे हैं, और एक अच्छे घर के नए नौजवान को अगर अवसर दिया है तो मुझे लगता है कि उत्तराखंड की जनता
जो हमारे नए सीएम है पुष्कर सिंह धामी, उनमें उत्तराखंड की नई आकांक्षाओं को देखती है और नई आकांक्षाओं के लिए उनको पुनः जनता का आशीर्वाद मिलेगा। पंजाब, पंजाब में हमारी पार्टी इस समय अपने आप को बढ़ाने का प्रयास कर रही है। मैं कोई अतिशयोक्ति की बात नहीं करूंगा, लेकिन निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की ताकत बढ़ेगी। सभी सीटों पर लड़ेगी भारतीय जनता? अब मैं कहूंगा सभी सीटों पर लड़ेगी तो आप कहोगे फिर समझौते का क्या होगा, कैप्टन अमरिंदर सिंह का, कैप्टन कमरिंदर सिंह का क्या होगा राजनीति में? आपको सवाल पता है अगला क्या होगा? नहीं तो मैं आप ही लोगों के बीच में तो रहता हूँ, मैं कोई दूसरी दुनिया में तो रहता नहीं हूँ, या मैं वो नेता तो हूँ नहीं जो विदेश में रहता हूँ, मैं तो इसी देश में रहने वाला नेता हूँ। ये सब विषय राजनीति में परिस्थिति के हिसाब से तय किए जाते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी सभी राज्यों में सभी सीटों पर तैयारी करती है। जब हम कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का कार्य सर्वव्यापी और सर्वस्पर्शी है, हम लड़े या ना लड़े हर सीट पर हम अपने राजनीतिक विचार को, अपने लोकतांत्रिक मूल्य को लेकर के जाते हैं, तो पार्टी सभी सीटों पर तैयारी करती है। बाद में जिस प्रकार का राजनीतिक निर्णय होता है एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया से उसको स्वीकार करते हैं। मतलब भारतीय जनता पार्टी पूरे देश की सभी सीटों पर तैयारी करती है, बाकी निर्णय राजनीतिक परिस्थिति के हिसाब से, और उस राजनीतिक परिस्थिति का मैं इंचार्ज अभी नहीं हूं, तो जो आवश्यक व्यक्ति हैं वो आपको इसका जवाब दे सकते हैं। अभी तय नहीं है कि पंजाब में सभी सीटों पर चुनाव जो इसके लिए जो अधिकृत व्यक्ति है, मणिपुर में आप मेरे से पूछ सकते हैं, मणिपुर में मैं आपको बता सकता हूं जो अधिकृत व्यक्ति हमारे उसके उत्तरा जो उनके प्रभारी हैं, निश्चित रूप से वो आपको समय आने पर जवाब देंगे और पार्टी के प्रवक्ता भी आपको सही समय आने पर जवाब देंगे। जब भूपेंद्र जी इन चुनावों से पहले उपचुनाव हुए, उन उपचुनावों में कोई लेसन, क्योंकि एक बहुत बड़ा सेटबैक रहा बीजेपी के लिए, हिमाचल की सारी सीटें गई, राजस्थान की सारी सीटें गई, कर्नाटक में सीएम जो बोम्मई उनकी जिले की सीट गई, तो एक सेटबैक, तो कोई लेसन आपके लिए उपचुनावों के लिए? लेसन को हिंदी में अभ्यास कहते हैं और कहा जाता है करत करत अभ्यास के जड़मति ओस सुजान। तो चाहे हम जीते चाहे हारे लेसन तो लेना ही चाहिए। राजनीति में जनता ने अगर जीत का जनादेश दिया है तो सेवा करने का लेसन लेना चाहिए, अगर हार का दिया है तो विनम्रता से स्वीकार करके आगे बढ़ने का लेना चाहिए, ये अहंकार नहीं पालना चाहिए। हम सबकी मालिक जनता है, इसलिए अगर कोई उपचुनाव में हमारी हार हुई है निश्चित रूप से पार्टी में उन विषयों का भी संज्ञान लिया जाता है। क्योंकि आप राजस्थान से हैं, राजस्थान से राज्यसभा सांसद हैं, राजस्थान में सीटें दोनों गई, हिमाचल की चारों सीटें गई, कर्नाटक की गई, राजस्थान से जुड़ा सवाल है कि कोई इनफाइटिंग चल रही है कि राजस्थान में वसुंधरा राजे वर्सेस सतीश पुनिया, उन्होंने कहा कि अनुशासनहीनता, वो सारी बातें मेरे से ज़्यादा आपको पता होंगी, आपके नोटिस में होंगी, तो क्या उस वजह से कोई इनफाइटिंग की वजह से? मेरे ध्यान में ऐसा कोई विषय नहीं है। जो सतीश पुनिया ने कहा कि अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी, फिर वसुंधरा राजे सिंधिया का जवाब आया, एक अध्यक्ष का कार्य होता है पार्टी का चलाना, पर उन्होंने कोई नाम लेकर के नहीं कहा। निश्चित रूप से अध्यक्ष सारे स्थितियों का आकलन करके सारे कार्यकर्ताओं को अनुशासित रखते हुए आगे चलना किसी भी पार्टी के अध्यक्ष का दायित्व होता है, पर कोई जिस तरीके का आप नाम ले रहे हो ऐसा कभी नहीं हुआ। वसुंधरा जी हमारी पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, पार्टी की वरिष्ठ नेता हैं, कहीं इस प्रकार से सार्वजनिक कोई विषय नहीं है। अच्छा, एक और सवाल, उपचुनावों में थोड़ा सेटबैक आपके लिए और अब चुनाव हैं, उससे पहले अचानक से फैसले, पेट्रोल डीजल के दाम कम हो गए, कृषि कानून वापस हो गया, उत्तराखंड में देवस्थानम बोर्ड भंग हो गया, तो ये संयोग है, इत्तेफाक है, ये सिर्फ चुनावी नजरिए से? सरकार राजनीतिक निर्णयों को लोगों के विषयों और व्यापकताओं के हिसाब से लेती है। अब इसको जोड़ने का काम, इसके विश्लेषण करने का काम आपका है, लेकिन सरकार का कुल काम लोगों की सेवा करना है, उस नाते सरकार लोगों की भावनाओं के हिसाब से भी निर्णय लेती है। भूपेंद्र जी, एक आखिरी सवाल ग्लासगो को लेकर, क्योंकि ग्लासगो में जिस तरह से, मतलब ये काबिले तारीफ है कि आपने भारत का पक्ष बहुत मजबूती से रखा, और उसमें जो कहा वो मैं शब्दशः पढ़ रहा हूँ, आपने कहा कि विकासशील देशों को ग्लोबल कार्बन बजट में अपने उचित हिस्से का अधिकार है, वो इस दायरे में फॉसिल फ्यूल के जिम्मेदार इस्तेमाल के हकदार हैं, और ऐसे में कोई भी विकासशील देशों से इसकी सब्सिडी को चरणबद्ध तरीके से खत्म करने का वादा कैसे कर सकता है? क्या था, मतलब जो प्रधानमंत्री ने भी जिक्र किया कि पेरिस समझौते में हम पर ही सारा दबाव डाला जा रहा है, जो कि पेरिस समझौते को लक्ष्य हासिल करने में इंडिया सबसे आगे है, तो क्या एक्सपीरियंस था, और क्योंकि डेवलपिंग नेशन बतौर भारत आपने जो पक्ष रखा उसको लेकर ग्लासगो में? देखिए, सबसे बड़ा विषय है कि दुनिया में हर वर्ष चलने वाले जो जलवायु परिवर्तन की वार्ता है, अगर पिछले 6 वर्षों में देखेंगे तो भारत का एक बड़ा स्थान बना है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व और विजन के कारण
और वो मैं इसलिए कहता हूँ, जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो क्लाइमेट, ग्रीन क्लाइमेट कन्वर्जेंस पे उन्होंने सबसे पहले पुस्तक लिखी थी, और भारत में भी वो सबसे पहले मुख्यमंत्री थे जिन्होंने अपने मुख्यमंत्री रहते हुए अपने राज्य में क्लाइमेट डिपार्टमेंट की स्थापना करी थी। और माननीय मोदी जी, जब प्रधानमंत्री के रूप में जब पेरिस में 2015 में ये विषय हुआ, तो भारत के उनके नेतृत्व में बहुत आग्रह के कारण क्लाइमेट जस्टिस शब्द को लिया गया, दुनिया में इस बात को स्वीकार किया गया कि प्रकृति, पृथ्वी के जलवायु परिवर्तन में उन देशों की सांस्कृतिक मान्यताओं को भी स्थान दिया जाए जो पृथ्वी को अपनी माता के रूप में स्वीकार करके नेचर आधारित जीवन को जीते हैं। और 2015 से 2021 की इस यात्रा में ग्लासगो में प्रधानमंत्री जी ने ये कहा कि भारत जलवायु परिवर्तन में समाधान के मार्ग की ओर बढ़ रहा है, ना कि व्यवधान की ओर। इसलिए 2070 को नेट जीरो करते हुए भी उन्होंने ये भी कहा कि हमने पहले जो अपने एनडीसीज डिक्लेयर करे थे, जिसमें हमने कहा था कि हम वैकल्पिक ऊर्जा में 40% पे जाएंगे, भारत ने उसे हासिल किया। हमने कहा हमने अपने कार्बन एमिशन कम करेंगे, भारत ने उसे हासिल किया। और इधर भी उन्होंने 500 गीगावाट का उत्पादन करने, 50% वैकल्पिक ऊर्जा के लिए आगे जाने के लिए, और भविष्य में 2030 तक 1 गीगाटन कार्बन एमिशन भारत कम करेगा, उसके लिए अपने पंचामृत के विषयों को रखा। इतना ही नहीं, माननीय प्रधानमंत्री जी के एक्शन और विजन में हमने यूके के साथ मिलकर CDRI, कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलियंस इंफ्रास्ट्रक्चर, हमने फ्रांस के साथ मिलकर इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जिसके आज 102 सदस्य बने हैं, गुड़गांव में जिसका अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय बना है, और उसके साथ ही साथ दुनिया में जो कार्बन उत्सर्जन करने वाले जो क्षेत्र हैं, सीमेंट है, ट्रांसपोर्टेशन है, हैवी इंडस्ट्री है, उसमें किस प्रकार से हम टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर कर सकते हैं, लीड आईटी का उन्होंने स्वीडन के साथ एक कोलिशन बनाया। आज दुनिया इस एक्शन और विजन को मान रही है, और पहली बार भारत दुनिया के विकासशील देशों की आवाज बना। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जो $100 बिलियन का वादा विकसित देशों ने करा था क्लाइमेट फाइनेंस और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के लिए, उसको पूरा करना चाहिए। यही कारण है कि ग्लासगो के डिक्लेरेशन में इस बात को स्वीकार किया गया कि भविष्य में विकासशील देशों के लिए क्लाइमेट फाइनेंस की डेफिनेशन को, लॉन्ग टर्म फाइनेंस के लक्ष्यों को न केवल रेखांकित किया जाएगा, उसके लिए दुनिया तेजी से आगे बढ़ेगी। दुनिया में भविष्य में कार्बन क्रेडिट के लिए जो आर्टिकल 6 पेरिस एग्रीमेंट का था, उसको जो क्योटो प्रोटोकॉल में भारत की मांग थी कि हमारे पुराने जो कार्बन क्रेडिट है उसको कैरी फॉरवर्ड किया जाए, उसको स्वीकार किया गया। भारत ने ग्लासगो में न केवल अपनी उपस्थिति को दर्शाया है, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में विकासशील देशों की भारत आवाज भी बना है जी। पर मेरा ये मानना है कि जो दृष्टि भारत की और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की है जी, वो दुनिया में जलवायु परिवर्तन की लड़ाई लड़ने के लिए सबसे ज्यादा सहायक सिद्ध होगी, और ग्लासगो ने इसको सिद्ध किया है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। पोल्यूशन, पोल, पॉलिटिक्स, सारे सवाल मैंने पूछे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भूपेंद्र यादव, जोरदार ताली। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक मिनट सर, शुक्रिया भूपेंद्र जी, शुक्रिया अमन, संवाद के इस शानदार सफर को जोरदार तरीके से आगे रफ्तार देने के लिए। लेकिन मैं भूपेंद्र जी आपसे निवेदन करूंगी, बस कुछ पल के लिए मंच पर आप रहिए, क्योंकि मिस्टर करण अभिषेक सिंह न्यूज 18 इंडिया की तरफ से यहां पर आपको भेंट देने वाले हैं, CEO हिंदी न्यूज क्लस्टर TV18। वेलकम सर। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।